आज मैं खड़ा होकर कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। भारतीय राजनीति के अंदर एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं, कोई खड़ा होकर कह दे वो कट्टर ईमानदार है। इसी वजह से इनको तकलीफ है, इसी वजह से ये रोज कीचड़ फेंकते हैं हमारे ऊपर। लेकिन इन्होंने इतनी हमारी जांच कर ली, सारी फाइलों की जांच कर ली, सारे अफसरों को लगा दिया, सारी एजेंसीज को लगा दिया, ये कुछ नहीं निकाल पाए आज तक। केवल शराब घोटाले ने किसी केस में कुछ नहीं निकाल पाए। मेरी अब हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप 18 घंटे काम करते हैं, 18 के 18 घंटे आप बस यही सोचते हैं कि मैं किस तरह से केजरीवाल को रोकूं काम करने से, किस तरह से केजरीवाल के मंत्रियों को गिरफ्तार करूं, किस तरह से केजरीवाल पे कीचड़ फेंकूं। मेरा आपसे निवेदन है 18 में से 2 घंटे भी अगर आप देश के लिए काम कर लें तो देश में महंगाई और बेरोजगारी जिससे जनता त्रस्त है उससे थोड़े से लोगों को निजात मिल जाएगी। इतना नेगेटिव मत बनिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए जनता के बारे में।